सो फाइनली दोस्तों मोटरोला फुल ऑन तैयार है अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है मोटरोला H50 Neo 5G स्मार्टफोन। और हमारे सामने इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइस, डिटेल सब कुछ निकल के आ चुकी है। उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक टॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्ड डिजाइन की बात किया है दोस्तों, तो बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, सिंगल LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी, प्लास्टिक का बैक पैनल होगा, फ्रेम भी प्लास्टिक का मिलेगा। लेकिन इस बार जो डिस्प्ले है दोस्तों, वो मोटरोला फैंस के लिए काफी जबरदस्त चीज निकल के आई है मोटरोला की तरफ से, क्योंकि यहां पर आपको कर्व डिस्प्ले की जगह पे फ्लैट डिस्प्ले मिल जाएगा, जहां पर आपको पंच होल कटआउट भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लीजिए डिस्प्ले साइज एंड स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों, तो यहां पर आपको 6.55 इंच की एक पीओएलईडी डिस्प्ले मिलेगी, जहां पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलेगा, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही में रिजोल्यूशन की बात की जाए तो यहां पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिल जाएगा, जहां पर आपका Netflix, YouTube, Amazon जैसे कंटेंट्स को आप HD में देख पाएंगे। कलर एक्यूरेसी मिलेगी, शार्पनेस मिलेगी और क्लैरिटी भी जबरदस्त मिलने वाली है। इवन अगर आप गेमर भी हैं तो भी आपका एक्सपीरियंस इस फ्लैट डिस्प्ले के साथ में काफी जबरदस्त रहने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। प्रोसेसर वगैरह की बात किया है दोस्तों, तो यहां पर आपको MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट मिलेगा, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इट मींस यहां पर आपको 5G सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ में यहां पर आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलेगा। बताया जा रहा है यहां पर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, जहां पर आप नैनो सिम तो यूज कर पाएंगे, लेकिन लीक्स की माने तो यहां पर आपको ई सिम का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है इस स्मार्टफोन के अंदर। रैम एंड स्टोरेज की बात किया है दोस्तों, तो बताया जा रहा है यहां पर आपको 8 256 GB का बेसिक वेरिएंट स्टार्ट होता दिखाई देगा, जहां पर आपको यहां पे 12 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको कहीं पर भी माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बात कर ली जाए यहां पे कैमरा कंपार्टमेंट की दोस्तों, तो यहां पर आपको 50 MP का मेन सेंसर मिल जाएगा विद OIS, साथ में दोस्तों यहां पर आपको 10 MP का एक टेलीफोटो लेंस भी मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ में यहां पर आपको 13 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहां पर मोटोरोला ने काफी अच्छा काम किया है कैमरा डिपार्टमेंट के हिसाब से। फ्रंट कैमरे की बात किया है दोस्तों, तो यहां पर आपको 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से बात किया है दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि बैक सेंसर से आपको एटलीस्ट 4K तक की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जहां पर फ्रंट कैमरे से आप 1080 एंड 30 FPS पे ही रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जहां पर आपको HDR पैनोरामा का फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एज यूजुअल यहां पर दोस्तों अभी एंड्रॉइड 14 ही चल रहा है लेटेस्ट में, तो एंड्रॉइड 14 ही मिलेगा। साथ में यहां पर आपको क्लीन OS देखने को मिल जाएगा मोटरोला की तरफ से। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात किया है दोस्तों, तो 4G मिलेगा, 5G मिलेगा, वाईफाई का सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.4 मिलेगा जो कि लेटेस्ट वर्जन है, NFC भी देखने को मिल जाएगा, साथ में USB Type-C 2.0 का पोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल भी कंफर्म नहीं है कि ये OTG सपोर्टेबल है कि नहीं। बात कर लेते हैं अब स्मार्टफोन के सेंसर्स एंड सिक्योरिटी की दोस्तों, तो यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, फेस अनलॉकिंग ऑप्शन, साथ में पैटर्न लॉक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब स्मार्टफोन के सबसे बड़े हाइलाइटिंग पार्ट की, जो कि होने वाला है इसका बैटरी लाइफ दोस्तों। तो यहां पर थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है आपको, क्योंकि जहां पर मोटरोला हमेशा हमें बेस्ट से बेस्ट बैटरी देता है, जैसे कि 5000 देता है या 5000 से अबव देता है, लेकिन यहां पर इस बार 4310 mAh की बैटरी दी है। जी हां, 4310 mAh की बैटरी दी है, जहां पर जो डिवाइस है वो 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। वैसे देखा जाए तो बैटरी लाइफ तो बहुत कम है, बहुत मतलब कम है, क्योंकि 5000 के करीब तो देता ही है, लेकिन 68 वॉट का चार्जर मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बैटरी थोड़ा देखना पड़ता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मोटरोला अब यही प्रोवाइड करवा रहा है इस स्मार्टफोन के साथ, तो कुछ कह नहीं सकते। सो गाइस, ओवरऑल ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। एक चीज और देखने को मिलती है, वो है IP68 की रेटिंग, जहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा वाटर एंड डस्ट असिस्टेंट भी बन जाता है। एक्सटर्नल चीजों की बात की है दोस्तों, तो राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाएंगे, फोन को लॉक अनलॉक होने के बटन मिल जाएगा, बॉटम में USB Type-C 2.0 का पोर्ट मिलेगा, ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा जो कि स्टीरियो साउंड के साथ में आएगा, और वहीं पर आपको ड्यूल सिम की ट्रे भी देखने को मिल जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस स्मार्टफोन के अंदर 3 नए अट्रैक्टिव कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, ये थी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट मोटरोला H50 Neo 5G स्मार्टफोन के बारे में। बात कर लेते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट एंड प्राइस की। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये आपको इंडिया में कभी भी लॉन्च होता दिखाई दे सकता है, तब जाके हमें और भी अच्छे से स्पेसिफिकेशंस क्लैरिटी के साथ में दिख पाएंगी। लेकिन मान के चलिए 98% आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की दोस्तों, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको बेसिक वेरियंट 8+256 GB वाला वो आपको पड़ सकता है 24,000 से 25,000 के बीच में, जहां पर आपको कुछ बैंक ऑफर या डिस्काउंट भी शायद तक देखने को मिल सकते हैं। बाकी डिपेंड ये करता है कि मोटरोला कौन सा वेरियंट हमें किस प्राइस रेंज में यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। सो गाइस, ओवरऑल ये सारी चीजें थी मोटरोला H50 Neo 5G स्मार्टफोन के बारे में। आपको इस स्मार्टफोन का डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके हिसाब से इसकी इंडियन प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए वो भी जरूर शेयर करें। उसी के साथ ही दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक ले गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्टोनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।